Hi everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. In this video, we are going to talk about chemical properties of hydrogen peroxide. This is the most important topic of hydrogen chapter of class 11th. In this video, we are going to talk about the trick to learn the oxidizing and reducing property of hydrogen peroxides. This is the most important question and most famous question which can be asked from this topic. So you have to remember this. How can you remember? I will tell you. Just be on this video. Okay. Let's start this video. So first of all, oxidizing and reducing behavior of hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide, कैसे पता चलता है कि हाइड्रोजन परोक्साइड में रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ या फिर डिसप्रोपोर्शनेशन हुआ? तो अगर हाइड्रोजन परोक्साइड जो है H2O2, जिसको बोलते हैं H2O2, अगर H2O2 क्या ये H2O2 अगर ऑक्सीजन में चेंज होता है या तो वाटर में चेंज होता है या तो वाटर प्लस ऑक्सीजन में चेंज होता है, ठीक है, तो मुझे पता चलता, तो इससे हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, इससे हम लोग डिसाइड करते हैं, देखो अगर ऑक्सीजन में चेंज हुआ तो समझ लो इसका रिडक्शन हुआ, अगर वाटर में चेंज हो गया तो समझ लो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर वाटर प्लस ऑक्सीजन दोनों में चेंज हुआ तो इसका समझ लो डिसप्रोपोर्शनेशन हुआ, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन। अगर ये चीज आता है तो तुम्हें पूरा सारा रिएक्शन तुम्हें आ गया है, ठीक है, कैसे ऑक्सीडेशन और कैसे रिडक्शन होता है तो तुम्हें सारा आ गया। अब चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो पता चलता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो H2O2 इज मोर पावरफुल ऑक्सीडेंट इन एसिडिक मीडियम, रिमेंबर द पॉइंट, H2O2 इज द मोर पावरफुल ऑक्सीडेंट मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद का रिडक्शन करेगा हमेशा, जब कभी भी खुद का रिडक्शन करेगा तो उसका अपना ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेगा, कम करेगा। तो चलो पहले बात करते हैं इन एसिडिक मीडियम में बात करते हैं तो हम लेते हैं H2O2, ठीक है, मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है, एसिडिक मीडियम में ये पावरफुल, ठीक है, पावरफुल ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा पावरफुल, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा पावरफुल, तो ये क्या होगा, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, ठीक है, मतलब खुद का रिडक्शन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो क्या होगा, वाटर में चेंज होगा मोस्टली। अरे ये बताया ना, ऑक्सीडेशन अगर होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये वाटर में चेंज करेगा खुद को, ठीक है, तो H2O2 क्या होगा, इस ये पहले तो वाटर में चेंज हो जाए, ठीक है, वाटर में चेंज हो जाएगा। तो मुझे बताओ इसमें दो हाइड्रोजन ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, हाइड्रोजन ऐड किए प्लस दो इलेक्ट्रॉन, ये फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। अल्कलाइन मीडियम में वाटर जो होगा H2O OH माइनस, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन के साथ, अब ये दो इलेक्ट्रॉन के साथ स्लो प्रोसेस में जाएगा, स्लो प्रोसेस में, और तीन OH माइनस यहाँ रिलीज हो, ठीक है। तो देखो अब मुझे याद क्या रखना है भाई, अब मुझे याद ये रखना है कि अगर आयरन प्लस टू को क्या करेगा, NO2 माइनस आएगा तो उसको क्या करेगा,
एंड एस माइनस टू आएगा उसको क्या करेगा। ये दो चीज तीन चीज मुझे याद रखना, ठीक है। जब कभी भी ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो मैंने बोला कि ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करेगा, Fe प्लस टू से Fe प्लस थ्री चला जाएगा और NO2 प्लस से NO3 प्लस थ्री माइनस में जाएगा, ठीक है। और SO S माइनस टू से कहाँ जाएगा, SO4 माइनस टू इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन परोक्साइड किसमें चेंज होगा, हाइड्रोजन परोक्साइड किसमें चेंज होगा अगर H2O2 लेते हैं, H2O2 लेते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अगर काम करता है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये वाटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया, मतलब दूसरे को क्या किया, आयरन को क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, दूसरे को ऑक्सीडेशन करता है, खुद का रिडक्शन कर रहा है। ये वाटर माइनस वन में है, अब ये माइनस टू में चेंज हो रहा है, ये खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पहले माइनस वन में है और ये यहाँ पे माइनस टू में जा रहा है, ये खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, इसीलिए ये एज अ ऑक्सीडेंट होता है। तो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आई बात समझ में, तो ये चीज याद रखो, बाकी सारा चीज तुम्हें याद हो जाएगा कि अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद में वाटर में चेंज हो जाएगा, अगर रिडक्शन करेगा तो ऑक्सीजन में चेंज होगा, अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है तो वाटर प्लस ऑक्सीजन में चेंज होगा, ठीक है। अब चलते हैं रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करते हैं। रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करें तो एसिडिक मीडियम में इसको क्या होता है, देखो एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में इसको कैसे करते हैं, देखो वाटर H2O2 है, रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज व्हाट, रिडक्शन, ठीक है। तो रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज रिडक्शन प्लस रिलीज ऑफ ऑक्सीजन प्लस टू मॉलिक्यूल, मींस अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कैसे रहता है, देखो H2O2 लिए, ठीक है, दो मोल ऑफ OH माइनस और इसमें बना वाटर प्लस, बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो H2O2 इज मोर पावरफुल रिडक्टेंट इन बेसिक मीडियम, तो रिडक्शन मोर पावरफुल किसमें हो रहा है, बेसिक मीडियम में, ठीक है। देखो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, इसमें भी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये चीज जनरल सी बात थी, अब मुझे याद क्या करना है, अब मुझे याद रखना है रिएक्शन। अब रिएक्शन को कैसे याद रखते हैं, देखो जैसे कि मैं बोला ओजोन है, ओजोन में रिडक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ओजोन का रिडक्शन करेगा। अब ये रिड्यूसिंग नेचर है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, H2O मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, ठीक है। जो एजेंट होता है वही तो दूसरे के लिए काम करता है, ठीक है। ऐसे याद रखो कि दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, आई बात समझ में, दूसरे को रिड्यूस करेगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, दो तीन एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि O3 है, Ag2O है, ठीक है, I2 है और MnO4- है, ठीक है। इसका रिडक्शन करेगा तो क्या होगा, और इसका रिडक्शन करेगा तो क्या होगा, क्या बात, सब चीज यहाँ पे यही रिएक्शन याद करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शन याद हो गया तो समझो कि इसका कुछ खेल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो O3 किसमें चेंज हो जाएगा, O2 में रिडक्शन होगा, तो AgO किसमें चेंज हो जाएगा, Ag में, I2 किसमें चेंज हो जाएगा, I- में, ठीक है। जीरो से माइनस वन में चला गया, ठीक है। और MnO4- किसमें चल जाएगा, Mn प्लस टू में चेंज हो जाएगा और Mn प्लस टू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे जो H2O2 लिया है, H2O2 लिया है, वो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, खुद का रिडक्शन कर रहा है, खुद का रिडक्शन करके क्या बनाएगा, रिडक्शन कर रहा है, खुद का, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है,
खुद का क्या करेगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या करेगा डिल्यूशन। यहाँ पे पहले ये माइनस वन में है, अब इसको जीरो में चला जाएगा तो जो में इसका ऑक्सीडेशन क्या होता है जीरो होता है, O2 का ये जीरो में था और ये माइनस वन में चला आया, क्या था रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस सेवन में था, यहाँ पे प्लस टू में चला गया और यहाँ पे ये प्लस फोर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ऐसे रिडक्शन होता है, इसको ऐसे से याद करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो रिड्यूसिंग नेचर में और ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये था, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट होता है किस मटेरियल के, डेलिकेट मटेरियल के लिए, जैसे कि आईवरी हो गया, सिल्क मटेरियल हो गया, उसके लिए ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका ब्लीचिंग एजेंट किस लिए होता है, क्योंकि ये क्या फेंकता है, नेसेंट ऑक्सीजन फेंकता है, क्या फेंकता है H2O2 क्या निकालता है, नेसेंट ऑक्सीजन, वाटर प्लस जो ये ऑक्सीजन निकलता है ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, ये डीकंपोजिशन H2O2 का जब डीकंपोजिशन होता है तो नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है कलरिंग मैटर के साथ कंबाइन करके वो उसको ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। तो क्वेश्चन ये बन के आता है कि ब्लीचिंग एजेंट ऑफ H2O2 क्या होता है, ऑक्सीडेशन, किसके कारण होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसमें डिसकलर होता है या कलरिंग होता है, ये कलरिंग मैटर का कारण होता है, ठीक है। और इसको परमानेंट ब्लीचिंग करता है, ये हमेशा के लिए ब्लीच कर देता है, ठीक है। तो दो चीज याद रखो, नेसेंट ऑक्सीजन के कारण इसमें ब्लीचिंग एक्शन आता है, और ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के कारण, जब कभी भी नेसेंट ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन आता है तो हमेशा नेसेंट ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये बात है इसमें, ठीक है। इसका मतलब प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज था जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है। ऑलराइट, इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट reducing nature and oxidation nature and bleaching property of H2O2. I hope all of it made sense. I hope you all guys really enjoyed this video, and please hit the like button, comment down the comment section, and please subscribe this channel. See you in the next video. Tata, bye bye.